जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। किसी ने किसी से पूछा कि हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो उसने जवाब दिया हु हैज नो कॉन्स्टिपेशन, यानी जिसके कोई कब्जी नहीं है वो इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर हमारा पेट सही नहीं है और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्जी रहती है, तो ना तो हम ढंग से कुछ खा सकते हैं, ना पूरे दिन कोई फ्रेशनेस रहती है, पूरे दिन बॉडी में एक आलस रहता है और कोई एक्टिवनेस नहीं रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। और जिसके कब्जी होती है उसके शरीर में और बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में हमारे, आपको पता है कि 80% बीमारियां हमारे पेट से होती हैं। तो पेट अगर आपका साफ नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बहुत से लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम होती है और वो तरह तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, घर में भी बहुत सारी ट्रीटमेंट लेते हैं करने के लिए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय बता रही हूँ, बहुत जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। 1 लीटर पानी ले लें, पानी को गर्म कर लें और उस गर्म पानी में 2 नींबू डाल दें, निचोड़ के स्क्वीज कर लें पूरा नींबू को, और 2 नींबू का रस उसमें डाल दें और 1 चम्मच नमक डाल दें। चम्मच छोटी होनी चाहिए, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो खाने वाली चम्मच होती है, टीस्पून नहीं, खाने वाली जो चम्मच होती है जिससे आप खाते हैं उसको पूरा फुल ना भर के इस तरीके से लेवल करके इसको कर लें, उतना नमक उसमें डाल लें। और उसके बाद उसको मिक्स करके, अगर आप पूरा 1 लीटर पानी पी सकते हैं, गरम गरम ही पीना है तो पी लीजिए, अगर 1 लीटर नहीं पी सकते हैं तो आधा लीटर पी लें, यानी 1 लीटर में से जितना आप पी पाएं। अगर पूरा पी लेंगे तो आप ये समझिए कि पूरे दिन, कई बार जाना तो पड़ेगा मोशन के लिए, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिपेशन कब का पुराना है, कई दिन का है, तो वो आपके अंदर जितनी भी जमी हुई गंदगी है ना, सारे गंदगी को आपके को निकाल देगा। और पूरे दिन कई बार मोशन जाने के बाद आप देखेंगे कि आप कितना लाइट फील कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसा रामबाण उपाय है कि किसी के बहुत ज्यादा कब्जी है ना और बहुत पुरानी कब्जी है उसके लिए भी ये रामबाण है। आप पीने के बाद थोड़ा सा टहल लें, जैसे ही आपने वो पानी पिया 5 मिनट थोड़ा टहल लीजिए, आपको तुरंत मोशन आएगा। और उस दिन आपको, जिस दिन आप ये लेंगे, तो पूरे दिन आपको 2-3-4 बार जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपकी पूरी अंदर से क्लीनिंग करेगा। इस उपाय को आप वीक में 1 दिन कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आपकी पूरी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाए तो फिर इसको ना लें। उसके बाद जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको, लेकिन ये बहुत अच्छा उपाय है, बिल्कुल घर का है, आप आराम से इसको कर सकते हैं और अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं।